अपने घर की तरफ, तो घर के मतलब घर के ही रास्ते में ना देखिए पुलिस वाले खड़े नहीं दिख रहा, और ऑटो रिक्शा की उस तरफ खड़े देख देख जोर से। ओ शिट, उन्होंने रोक लिया, मम्मी रोका रोका पीछे पीछे उन्होंने रोका। किसको रोका? हमें हमें रोका हमें रोका हमें रोका उन्होंने ऐसे किया। ऐसा ही नहीं कुछ, वही तू मास्क लगा। शिट यार मम्मी, मैंने क्या किया? वैसे तो कुछ नहीं हुआ ना, उन्होंने ऐसे रोका मेरे को देख। मैं तो ना हम लोग डीमार्ट आए, वैसे भी सामान नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हुआ ये कि हम लोग जा रहे थे तो घर के रास्ते में ही ना वो पड़ता है। फ्राइडे की रात को ही मैसेज आ गया कि लॉकडाउन लग गया है, अब आप ना कहीं निकल सकते हो, और सैटरडे संडे को सारी शॉप्स वगैरह बंद रहेंगी। अभी फ्राइडे को मेरा ये वाला जो फैन आप देख रहे हैं ना, ये चलना हो गया बंद। फ्राइडे की रात को 3-4 बजे पता नहीं कैसे टक 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 करके आवाज़ आई और ये बंद हो गया। तो वो तो चलो एसी है तो अपना चल गया, लेकिन फैन तो घर में चाहिए ना, अभी आप 24 घंटे तो आप एसी में रह नहीं सकते हैं। तो निकली, देखा सारी दुकानें धीरे 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 उनके शटर बंद हो रहे हैं, सब दुकानों को, क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रिक की दुकान पे गई, उससे मैंने पूछा, वो भी आधा शटर गिरा के बैठा हुआ है। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, बोले कि अभी ये लॉकडाउन लग गया। मैं क्या, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो, जो असेंशियल चीज़ें हैं सिर्फ वही खुली रहेंगी। सामने उसके दुकान के सामने वाली दुकान थी जहाँ पे बेयरिंग बनता है, कहता है वो देखिए वो दुकान बंद करके जा चुका है। मैं क्या, ऐसे ऐसे फ़ैन का प्रॉब्लम हुआ है, तो वो बोला कि आप बैरिंग वेरिंग का काम करने की जगह ना आप नया ले लो। अभी शाम को ही मेरे पास मैसेज आ गया कि सैटरडे संडे को डीमार्ट वगैरह जितने भी हैं, मतलब जो जो स्टोर्स हैं सब बंद रहेंगे। सैटरडे को मतलब कल शाम को 6 बजे के आसपास डीमार्ट वाले का फ़ोन आया कि हम लोग आउटलेट खोले हैं, आप आ जाओ, आपका सामान आया हुआ है, आप आके ले जाओ। फ़ोन आया, कहता है कि आप आके ना ले जाओ, हमने खोला है आउटलेट। हस्बैंड को बोला, हस्बैंड बोले पहले एक बार ना राउंड मार के आते हैं सड़क पे, पता चल रहा है पिछली बार की तरह जैसे कोरोना में हुआ था, याद है कोरोना में कैसे पूरा एकदम खाली सुनसान हो गई थी सड़कें, और पुलिस वाले घूम रहे थे और जो जो दिख रहे थे उनको पकड़ पकड़ के पहले तो बुलाते थे, आ जाओ जरा आ जाओ, क्यों घूम रहे हो, क्यों, क्या काम है, जब पूछते थे। और अगर आप फालतू घूम रहे होते थे तो डंडे भी मारते थे, उठक बैठक, बहुत सारे ऐसे वीडियोस उस टाइम पे आए थे, हम लोग बैठ कर टीवी में देखते थे, व्हाट्सएप के ऊपर कितने सारे वीडियोस आए थे जो हमारे आसपास के एरिया के थे, जैसे वो लोग भी जैसे बनाए लोगों का वीडियो तो इधर उधर सर्कुलेट होता है, और वो हमारे पास भी आया था कि हमारे यहाँ पे सिनेमैक्स है चौराहा, वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने लोगों को जो उठक बैठक करवाई थी, मतलब कितना एम्बैरेसिंग था यार। तो हमें लगा कहीं हम लोग जा रहे हैं सामान लेने और पता चला पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो मैं और हस्बैंड सुबह निकले कि चलो एक बार राउंड मार के आते हैं, पता चल जाएगा कि बाहर का माहौल कैसा है, जाने लायक है कि नहीं है। अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कैसा सीन है, मुझे नहीं लगता बाहर लोग हैं। देखिए जरा बाहर, कांच खोलो जरा इसका, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है। सी आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा लोग नहीं है बाहर, गाड़ियां सबकी ज्यादातर घर पे ही है। तो हमें यही था कि हम लोग जाएं कहीं पुलिस पकड़ ले, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उसको फ़ोन किया डीमार्ट वाले को कि तो आज खोले हो क्या, तो बोले कि हाँ मैडम खोला हुआ है, आप आ जाओ। मैंने कहा चल ठीक है, मैं 1 घंटे में आती हूँ। अब ऑलरेडी 12:30 हो रहा है और लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रही हूँ पता चल रहा है कल भी कोई कांड हो गया, कल बंद हो गया तो फिर आगे का सीन रह जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का घुमा के लाती हूँ। हाँ निकल रही हूँ, संभाल के ठीक है, चलो चलते हाँ एक एक करके कर लेंगे, चलो चलते गाड़ी का चाबी लो। छोटी वाली लेके जानी थी तो अभी हम बड़ी वाली गाड़ी से जा रहे हैं, ये वाली न्यू वाली, ये तो छोटी वाले, ये बड़ी वाली है। ये क्या है मम्मी, क्या महाराजा वाले होते ना, ये यहाँ पे लगाया था मैंने, ये धूप से बचने के लिए होता है। इधर ही दिखा था बस, ये गिरा हुआ था, लिखा क्या लिखा ये, हाँ मम्मी लोग हॉस्पिटल से मैं और भैया आ रहे थे ना, तो यही तो लेके आई कि अंदर चलो
अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो ये चाहिए ना लगाने के लिए गाड़ी। फिर आप देखो कि अभी कितनी गर्मी है, बिना एसी के क्या होता वहाँ। और जो लोग बिना एसी भाई? के सोचो मम्मी, जो अभी गरीब लोग होते होंगे कैसे जीते होंगे, जैसे गरीब उनके पास जो काम करना होता है ना, तब ना कोई गर्मी दिखती है ना कोई ठंडी दिखती है, तब ये होता है कि बस हो जाए काम। तो अभी हम गर्मी कितना है धूप, अरे रुको भाई रुको, मतलब पीछे हो रहा है देख रहे हैं हॉर्न बजा रहे हैं, धूप कितनी तेज है। ठीक है तो बंद दिखा रहा है, अभी कॉल आया मेरे पास कह रहे खुला है, अभी कह रहे बंद। हेलो, हाँ ये डीमार्ट तो बंद है आपका, कहाँ चालू है, मैं तो यहीं बाहर खड़ी हूँ। पीछे वाला तो नहीं होगा जो पीछे वाले जाते, इस चौकी के सामने वाला बोल रहे हो आप, तो मैं वहाँ पे आऊँ, मेरा सामान वहाँ पे आया हुआ है। ठीक है मैं आती हूँ, तो कहीं बंद है दिखाओ। देख स्वीट्स का शॉप वॉप सब बंद है ना। हाँ स्वीट बंद है, ब्रिथ भी तो बंद हो गया, पीछे ब्रिथ नहीं था बड़ा वाला रेस्टोरेंट। अरे यार क्यों बंद हुआ मम्मी, मुझे जाना था भाई वाले बर्थडे पे उधर। हाँ बताए क्यों, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैं ना ऐसे ही स्कूल से आ रही थी, ठीक है, तो पापा मुझे लेने आ रहे थे, मतलब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो घर के मतलब घर के रास्ते में ना देखिए पुलिस वाले खड़े नहीं दिख रहा, और ऑटो रिक्शा की उस तरफ जोर से, ओ शिट उन्होंने रोक लिया, मम्मी रोका रोका पीछे पीछे उन्होंने रोका, किसको रोका, हमें हमें रोका, हमें रोका, हमें रोका, उन्होंने ऐसे किया। ऐसा ही नहीं कुछ, तू मास्क लगा। शिट यार मम्मी मैंने क्या किया, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ ना, उन्होंने ऐसे रोका मेरे को देख के। मैं तो ना हम लोग डीमार्ट आए वैसे भी सामान लेने। अच्छा ठीक है, तो हुआ ये कि हम लोग जा रहे थे तो घर के रास्ते में ही ना वो पड़ता है, वो देखो मम्मी बगल में देखो। तो आगे हम लोग ये दूसरे वाले डीमार्ट पे, वो वाला डीमार्ट था बंद, अब चले गए। अरे मेरी स्टोरी तो रह गई, वो बाद में सुनाना, अभी तुम चलो पहले उतरो। यार क्या मां सारे दुकानें बंद है, अब हम पहुंच गए अंदर। मदद करो, सैंडविच खाना ना अभी। हाँ रुको मैं आ रही हूँ, मैं करता हूँ लो। नींद आ रही है मम्मी, हम मूवी कब देखेंगे। और ये हो गया, और अब हम बाहर नहीं जाएं, हम अंदर ही बैठेंगे। तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं ना माँ, आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं बोल दो, आज का व्लॉग हम लोग यही खत्म करते हैं। आज हम लोग होके आ गए हैं डीमार्ट, रास्ते में थोड़ा सा हमारा हमने गलती से एक्चुअली वीडियो बना रही थी बेटी, और उसमें पुलिस वाले भी आगे बीच में, तो वो हमारे पीछे पीछे आ गया बंदा पुलिस वाला, इसको डिलीट करो इसको डिलीट करो, हमें उसको ये लग रहा था कि हम उसका वीडियो बना रहे हैं जबकि ऐसा था नहीं, तो हमने फिर उस पोर्शन को डिलीट मारा क्योंकि उनको लग रहा था हम उनका वीडियो बना रहे हैं। तो बाद में वो बोला सॉरी वॉरी भी बोला, बाद में बोला कि आराम से जाइए आप घर पर सामान मंगाइए, मैंने कहा यार घर पर अरेंज वो करने वाला मेरे को था नहीं क्योंकि मुझे घर पे सामान मंगाना नहीं था, घर पे आता फिर उनके पास कार्ड का इशू रहता है बहुत, क्योंकि बाहर होके आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये हम लोग ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, डीमार्ट वाला ब्लॉग,
आपको कैसा लगा ये बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ क्वेरीज हैं पूछने के लिए वो पूछिए, और प्लीज इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं जाके गेम खेलूँ।